वन कार्बन आइटम दैन स्टूडेंट्स एस एन टू रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरड आउट विद एस एन टू रिएक्शन है बेस्ट कैरेड आउट विद प्राइमरी अल्काइल हेलाइट सेकेंडरी अलकाइल हेलाइट दैन टर्शी अलकाल स्टूडेंट्स याद रखेगा एस एन टू आपके पास बायोमोलिकुलर सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं तो दे आर बेस्ट कैरिड आउट विथ प्राइमरी अलकाइट्स दैन स्टूडेंट्स फॉर विच मैकेजम द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम यानी कि पहला स्टेप सेम होता है पहला स्टेप स्टूडेंट्स सेम होता है ई वन और एस एन वन के लिए जो कि आयनाइजेशन होता है एज अ रिजल्ट आपके पास कार्बोकेट जनरेट होता है द रेट ऑफ ई वन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसट्रेशन ऑफ सब्सटे द कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लोफाइल द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट एज वेल एज दैट ऑफ न्यूक्लियोफाइल नन ऑफ अब तो स्टूडेंट्स ये है कंसनट्रेशन ऑफ सबस्टेट जो आपका रेट होता है ई रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट के ऊपर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है अल्काइल हिलाइट आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल क्यों

आपके पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एन अ गुड लिविंग ग्रुप आपके पास जो आयोडाइड आयन होता है खासतौर पर स्टूडेंट्स याद रखेगा कि वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है क्यों क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसका साइज ज्यादा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया तो स्टूडेंट्स तो याद रखेगा कि आपके पास जो बोन ट्राईफ्लोराइड है वो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है देन स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट बी फॉर्म बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केज विद तो कौन सा स्टूडेंट्स ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो कि डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बन सकता आपके पास है अल्काइल ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड और आयोडाइड तो स्टूडेंट्स इट्स ऑप्शन डी दैट इज अल्काइल आयोडाइड देन है आपके पास स्टूडेंट्स ग्रिगनाड रिएजेंट्स रिएक्ट विद गिव अल्केन विद वाटर इथाइलोमीन इथान ऑल ऑफ दीज तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप मैकेनिज्म के थ्रू इसको जस्टिफाई कर सकते हैं वाटर के साथ तो हमने चेक किया है कि आपके पास बनता है मीथेन इन द केस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो अल्केन आपके पास बन गया वाटर से इथाइलोमीन से भी जनरेट होता है उसके अलावा स्टूडेंट्स अल्कोहल यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल इथानॉल है उससे जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो उससे भी आपके पास अल्केन बनता है यानी कि ऑल ऑफ दिस उसके बाद स्टूडेंट्स एक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड विद सोडियम मेटल यील्ड स्टूडेंट्स जब भी सोडियम मेटल के साथ अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन होता है यानी कि कोई भी अल्काइल हेलाइड है आपके पास और उसका रिएक्शन हो रहा है विथ सोडियम मेटल तो याद रखिएगा कि आपके पास एज अ रिजल्ट जनरेट होगा अल्केन यानी कि ऑप्शन ए दैन स्टूडेंट्स अल्कल हिलाइट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन या ऑल तो स्टूडेंट्स याद रखेगा कि एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होते हैं तो हमने स्टडी किया है ऑलरेडी कि डिफरेंट तरह के अमीनस प्रोड्यूस होते हैं तो ये हो जाएंगे ऑल डी दैन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड अमंग द अल्काइल हेलाइट द प्राइमरी अकायल ऑलवेज़ फॉलो द मैकेनिज्म तो स्टूडेंट्स अल्काइल हेलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात अच्छी तरह याद है कि प्राइमरी अल्काइल हेल्ड्स हमेशा एस एंड टू मैकेनिज्म फॉलो करते हैं यानी कि इट्स डी तो स्टूडेंट्स एम सी क्यू उसके बाद अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ वन बाई वन इनको डिसकस करते हैं थैंक यू